हेलो एवरीवन, टॉपिक स्टार्ट करने के पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज चेक इट। अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो सेशन में हम डिराइव करेंगे पावर फ्लो इक्वेशन, उसके बाद हम बात करेंगे पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम रिलक्टेंस पावर की बात करेंगे जो बहुत आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम देखेंगे पावर फ्लो ऑफ अल्टरनेटर, इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर, और साथ ही साथ हम देखेंगे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट, इंपॉर्टेंट है आपके प्री एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था टू रिएक्टेंस थ्योरी, उसमें हम लोगों ने देखा था XD XQ कैसे डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्लिप टेस्ट, और हम वेक्टर डायग्राम भी देखे थे, उससे नेसेसरी हम लोगों ने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था। आप लोगों के एग्जाम के लिए देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, और इस पे बेस्ड कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस की हूँ आप लोगों से। आज की वीडियो सेशन में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो हम बात कर लेंगे। आते हैं हमारे पहले टॉपिक में, पावर फ्लो पावर इक्वेशन फॉर सेलियंट पोल मशीन। ठीक है, सेलियंट पोल मशीन इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये जनरेटर और मोटर दोनों के लिए ही वैलिड रहेगा पावर फ्लो इक्वेशन। उससे पहले आप लोगों को एक चीज ध्यान में रखना पड़ेगा कि जैसा आपने देखा था वेक्टर डायग्राम, यहाँ पर मैं दोबारा ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि आप लोग अगर मैं डायरेक्ट पूरे फॉर्मूले लिख दूंगी तो आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसीलिए मैं फटाफट से देखिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए सेलियंट पोल के लिए मैं ड्रॉ करूंगी वेक्टर डायग्राम, और बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने वेक्टर डायग्राम हमारी पिछली वाली वीडियो में बात किया है, आप जरूर उसको डेफिनेटली देखिए, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, आप याद रख सकते हैं अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पर डी एक्सिस ड्रॉ करना पड़ेगा, आप ले सकते हैं स्केल की का हेल्प, आप ले सकते हैं स्केल की मदद से, आप ये थोड़े अच्छे तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका हो गया डी एक्सिस, ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया लगता है, कोई बात नहीं, आप स्केल से ड्रॉ करेंगे, बोर्ड में हो जाता है कभी कभी। ये हो गया आप लोगों का क्यू एक्सिस, ठीक है, जहां पर ईएमएफ आपका डेवलप होता है। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले वोल्टेज का फेजर ड्रॉ करना है। देख लीजिए, ये हम लोग लिए थे, इसे हम बोलते हैं वी, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, देख लीजिए, सही है बिल्कुल। आप लोगों को क्या करना है, डी एक्सिस और क्यू एक्सिस ड्रॉ करने के बाद वहां पर आपको डायरेक्टली वी का फेजर ड्रॉ करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं आरए को इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस आप लोगों का आरए इग्नोर रहता है, आरए नेग्लेक्टेड, आर्मेचर रेजिस्टेंस बोल लीजिए इसको या फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोल लीजिए। उसके बाद देखिए ये आईए है हमारा, अगर आईए आरए में कंसिडर करती तो यहाँ पर मैं इसके पैरेलल में ले जा करके एक लाइन ड्रॉ करती और हम इसे बोलते आईए आरए, बट आरए को मैंने इग्नोर किया हुआ है, तो यहां से जो वैल्यू आएगी परपेंडिकुलर इसे हम बोलेंगे आईडी एक्सडी, ठीक है, आईडी एक्सडी, क्योंकि जब हम इस आईए को डी एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्ट करेंगे तो ये हमारा करंट आईडी होगा, और क्यू एक्सिस के अलोंग अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो ये हमारा करंट हो जाएगा आई क्यू, ठीक है। कॉम्पोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट अलोंग डी एक्सिस इज नोन एज आईडी एंड कॉम्पोनेंट ऑफ आर्मेचर करंट आईए Along Q axis is IQ ampere, ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को। यहाँ पर जब आप इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये है आईडी एक्सडी, और उसके बाद अगर आप इसके और परपेंडिकुलर में जाएंगे तो आप लोगों को IQ XQ ड्रॉ करने को मिलेगा, ठीक है, ये इतनी बात समझ में आई आप लोगों को। उसके बाद हम जानते हैं जब हम इसका पूरा वेक्टर एडिशन करते हैं तो हमें मिलता है EMF E, ठीक है, ये समझ में आया इतनी बात। यहां पर मैं ड्रॉ की हूं फेजर डायग्राम फॉर सेलियंट पोल अल्टरनेटर एट लैगिंग पावर फैक्टर पे मैंने ड्रॉ किया है, ये आपको समझना है क्योंकि देखिए ये वोल्टेज का फेजर है, ये आई है, तो डेफिनेटली आई ए लैग कर रहा है वोल्टेज से बाई एन एंगल फाइव,
तो फाई हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर एंगल होता है, किसके किसके बीच का होता है, वी और आई ए के बीच का होता है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए फाई ए इज द एंगल बिटवीन वी एंड आई ए, ठीक है। उसके बाद हमें ये पता है ई और वी के बीच का एंगल होता है डेल्टा, देख लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने देखा था डेल्टा को हम बोलते हैं टॉर्क एंगल और लोड एंगल, टॉर्क एंगल और लोड एंगल बोलते हैं हम। तो ये हो जाएगा हमारा डेल्टा, यहाँ साइड में कभी कहीं आप मेंशन कर लीजिए, ये एंगल है ई और वी के बीच का, ओके। और हमें ये भी पता है कि साई हमारा होता है इंटरनल पावर फैक्टर एंगल, जो होता है ई और आई ए के बीच का एंगल। साई बोलते हैं, देखिए फाई अलग है और साई अलग है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए साई इज द एंगल बिटवीन ई एंड आई ए, ओके। इतना बात आप लोगों को समझ में आया, बहुत ही सिंपल फेजर डायग्राम है। वी बनाया हम लोगों ने, आई ए को लैगिंग पावर फैक्टर पे बनाया, आई डी एक्स टी को परपेंडिकुलर किया, उसके परपेंडिकुलर पे आई क्यू एक्स क्यू किया, और दोनों को सबको जब हम लोग मिला दिए हैं तो हमारा ई एम एफ ई आया है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, डैश लाइन से मैं शो कर रही हूँ, इस पॉइंट को आपको मिलाना है, ठीक है। मिला लिया आप लोग, उसके बाद मुझे ये बताइए इतना वैल्यू कितना होगा और ये वाली वैल्यू कितनी होगी। ये देखिए, ये वाला पोर्शन मैंने ड्रॉ किया है तो हमें ये वाला ट्राइंगल लेना पड़ेगा। ये वाला ट्राइंगल जब आप ले लेंगे ओ ए बी, ओ ए बी साइड में मैं यहां पर बना दे रही हूं आप लोगों के लिए, ओ ए बी, एंगल हमारा क्या है डेल्टा, एंगल हमारा है डेल्टा। तो देखिए ये इससे बना रहा है हमारा एंगल, तो ये हमारा हुआ बेस, दिस इज अवर बेस। और बेस वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस वाला कंपोनेंट होता है, क्योंकि कॉस इज इक्वल टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो ये वाला पोर्शन हमारा हो जाएगा वेक्टर वी, ये हो जाएगा वी कॉस डेल्टा, और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा वी साइन डेल्टा। देखिए मैं बहुत ही बेसिक से बता रही हूँ, एक एक डायग्राम ड्रॉ करके, ताकि आप लोगों को कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, वी कॉस डेल्टा कहाँ से आया, वी साइन डेल्टा, साइन डेल्टा कहाँ से आया। डेल्टा है तो मैंने एंगल लिया है, क्योंकि ये बेस से एंगल यहाँ बना रहा है तो इसे हम बोलेंगे बेस, और बेस वाला कंपोनेंट हमेशा होता है वी कॉस डेल्टा, और परपेंडिकुलर वाला होता है वी साइन डेल्टा। तो यहाँ से हम वैल्यू लिख लेते हैं, इतनी वैल्यू हमारी हो जाएगी वी साइन डेल्टा की, ये हो जाएगी हमारी वी कॉस डेल्टा। आई होप आप लोगों को ये फेजर डायग्राम अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये टोटल हमारा है ई, देखिए टोटल हमारा है ई। फर्स्ट पॉइंट में ये लिखूंगी ई का वैल्यू क्या क्या है। देखिए ई की वैल्यू है वी कॉस डेल्टा प्लस आई डी एक्स टी, यहां से लिख लीजिए ई इज इक्वल टू वी कॉस डेल्टा, वी कॉस डेल्टा प्लस आई डी एक्स डी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। यहां से आप लोगों को आई डी की वैल्यू निकालनी है, मुझे बताइए कितना आ रहा है। आई डी इज इक्वल टू ई माइनस वी कॉस डेल्टा अपॉन में एक्स टी, दिस इज आवर इक्वेशन वन। कुछ नहीं किया मैंने, इसी फेजर डायग्राम से ई का वैल्यू लिखा है आई डी एक्स डी प्लस वी कॉस डेल्टा, और यहां से आई डी की वैल्यू मैंने निकाला है e माइनस वी कॉस डेल्टा यहाँ गया अपॉन में एक्स टी, तो दिस इज आवर इक्वेशन वन, ठीक है। इक्वेशन वन हो गया। सेकेंड आप देखिए, सेकेंड v साइन डेल्टा की वैल्यू आप मुझे बताइए कितना होगा, क्योंकि हम लोग पैरेलल ड्रॉ किए हैं, तो v साइन डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी आई क्यू एक्स क्यू, लिख लेते हैं इक्वल टू आई क्यू एक्स क्यू। तो यहां से मुझे आई क्यू की वैल्यू बता दीजिए, ये हो जाएगा v साइन डेल्टा अपॉन में एक्स क्यू, इक्वेशन टू, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से इक्वेशन, ठीक है। इसकी वैल्यू आप लोगों को आई डी इज इक्वल टू एंड आई क्यू की वैल्यू आप लोगों ने निकाल लिया। उसके बाद आप मुझे ये बताइए पावर क्या होता है, ठीक है, पावर क्या होता है। तो पावर आप लोगों को अगर जनरल में, इन जनरल साइंस में बोलूँ तो आप बोलेंगे वी आई कॉस फाई, यही होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर क्योंकि हम लोगों को आईडी और आईक्यू है, तो मैं ये बोल सकती हूँ आईडी इनटू वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग डी एक्सिस, ठीक है ना, ये सही है बिल्कुल। आईडी इनटू वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग डी एक्सिस प्लस में आईक्यू इनटू वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग क्यू एक्सिस, ठीक है। आईडी इनटू वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग डी एक्सिस प्लस आईक्यू इनटू वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग क्यू एक्सिस, ओके, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को अब कुछ नहीं है, बस वैल्यू ही पुट करनी है। वैल्यू जब आप पुट करेंगे तब आपकी फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये फेजर डायग्राम देखिए मैं मिटा रही हूँ क्योंकि स्पेसिंग का प्रॉब्लम है और ये वैल्यू भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसको मैं मिटा ली हूँ। आप अपने कॉपी में अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। देखिए डायरेक्ट अगर आप फॉर्मूला किसी भी चीज़ का याद करते हैं तो वो आप कुछ समय के लिए ही याद कर पाते हैं, लंबे समय तक के लिए आप लोगों कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला रटने की कोशिश करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग ये एक चीज़ पॉसिबल नहीं है, हम कुछ ना कुछ दिन बाद भूल जाते हैं। लेकिन अगर आप एक बार डेरिवेशन कर लिए फर्स्ट टाइम तो आप लोगों को वो अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा और याद भी रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है पावर इज इक्वल टू आईडी, आईडी की वैल्यू क्या है मुझे बता दीजिए, ई कॉस डेल्टा, ई माइनस वी कॉस डेल्टा अपॉन में एक्स डी इंटू वोल्टेज अलोंग डी एक्सिस। तो अभी हम लोगों ने देखा था वोल्टेज अलोंग डी एक्सिस कितना था, इस तरफ वी साइन डेल्टा, ठीक है, प्लस में आई क्यू की वैल्यू कितनी है मुझे बताइए। आई क्यू की वैल्यू है वी साइन डेल्टा अपॉन में एक्स क्यू इंटू वी कॉस डेल्टा, ठीक है। ये कहाँ से आया, दिस इज फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन की हेल्प से हम सिर्फ वैल्यू पुट किए हैं, किसकी वैल्यू पुट किए हैं, ये हम पुट किए हैं आईडी की, ये हम पुट किए हैं आईक्यू की, दिस इज आवर वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग डी एक्सिस, ठीक है, और ये हमारा है क्यू एक्सिस के अलोंग। देख लीजिए कुछ नहीं है, मैं सिर्फ फॉर्मूले में पुट कर दी हूँ वैल्यू उठा करके, और जैसा आप डायग्राम में अभी देख पा रहे थे वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग डी एक्सिस इज वी साइन डेल्टा एंड वोल्टेज कंपोनेंट अलोंग क्यू एक्सिस इज वी कॉस डेल्टा, ऊपर की तरफ आ रहा था, मैंने लिखा हुआ था वहां पर। आगे पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं इस पूरी वैल्यू को, देखते हैं क्या आता है हमारी पी की वैल्यू। तो पावर पी इज इक्वल टू, ब्रैकेट को अंदर लेके जाइए, ई अपॉन में एक्स डी साइन डेल्टा, देखिए ई वी वी भी है यहाँ पर, तो ई वी अपॉन में एक्स डी साइन डेल्टा माइनस वी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा अपॉन में एक्स डी, फिर से यहाँ पर लीजिए तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा अपॉन में एक्स क्यू, ये देख लीजिए सही है। यहाँ से आइए आगे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, P इज इक्वल टू ई वी अपॉन में एक्स डी साइन डेल्टा प्लस, देखिए ये प्लस है तो ये माइनस है, इसको मैं पहले लिख रही हूँ इसको बाद में लिखूंगी, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा अपॉन में एक्स क्यू माइनस वी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा अपॉन में एक्स डी। आई होप आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप आपका ये है। अब हम मुझे बताइए साइन टू डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत अच्छा होगा, तो ये होता है टू साइन डेल्टा कॉस डेल्टा, ठीक है। साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होती है, टू साइन थीटा कॉस थीटा,
अब आप मुझे यहाँ बताइए, इस इक्वेशन में अगर मैं फॉर्मूला यूज करना चाहती हूँ तो साइन डेल्टा कॉस डेल्टा प्रेजेंट है, टू का टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो क्या यहाँ पर मैं टू का मल्टीप्लाई डिवीजन नहीं कर सकती हूँ? ठीक है, तो यहाँ पर फिर से लिख दीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। P इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा अपॉन में एक्स डी प्लस टू वी स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा अपॉन में 2xq माइनस 2v स्क्वायर साइन डेल्टा कॉस डेल्टा अपॉन में 2q। मैंने कुछ नहीं किया, ऊपर में 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ से हम लोग फॉर्मूला को यूज़ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा ev साइन डेल्टा अपॉन में xd। यहाँ से आप मुझे बताइए क्या क्या चीज़ कॉमन आ सकता है, ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला में हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 2v स्क्वायर साइन 2 डेल्टा, ये क्या है हमारा, ये xd है ना, xq है, ये xd है, 2 तो हट गया, देखिए 2 साइन डेल्टा कॉस डेल्टा मिल करके हम लोगों का साइन 2 डेल्टा बना, ठीक है, xq माइनस v स्क्वायर साइन 2 डेल्टा अपॉन 2 xd, देख लीजिए। अब यहाँ से आप लोगों को क्या निकालना है, सेकेंड इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा ev अपॉन xd साइन डेल्टा प्लस v स्क्वायर अपॉन में 2, अंदर में बनेगा 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन में xd साइन 2 डेल्टा वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल्टा, ये हमारा आता है फाइनल इक्वेशन, ठीक है, फाइनल इक्वेशन आता है हमारा, इसे आपको अंडरलाइन, इसे इस फॉर्मूला को आप लोगों को अब याद करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कहीं अगर आप फॉर्मूला शीट बना रहे हैं तो वहां पर अपने सेलियंट पोल के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मार्क कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं अगेन बोलना चाहूंगी, प्री के लिए आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा ये फॉर्मूला, ठीक है, इसे आप ड्राइव कर लीजिए, और अब आप याद रख सकते हैं, अगर 3-phase पावर चाहिए होगा तो आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका फाइनल आंसर आएगा, मान लीजिए 100 वॉट आपका आंसर आ रहा है पर फेज, 3-phase के आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा टोटल पावर इन अ 3-phase सर्किट। तो फ्रेंड्स देखिए, ये फॉर्मूला को आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ये मैंने मार्क कर लिया, ठीक है, इसके बाद आप देखिए इसमें 2 पार्ट है, इसको आप बोलिए पार्ट फर्स्ट एंड इसको आप बोलिए सेकेंड पार्ट। P इज इक्वल टू ev अपॉन xd साइन डेल्टा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन xd इंटू साइन 2 डेल्टा फाइनल फॉर्मूला। अब आप इसको याद रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, आप लोगों को समझ में भी आएगा ये कहाँ से आया है, और कई बार कन्फ्यूजन होता है 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन xd ये करें या ये करें, तो देखिए यहाँ से अगर आप निकालेंगे 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन xd, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो xd माइनस xq अपॉन में xq xd यही आएगा, कई बुक में आप लोगों को ऐसा दिखता है, तो यह लॉजिक ये है कि xd हमेशा ग्रेटर देन होता है xq से, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था xd हमेशा ग्रेटर होता है xq से, तो ये xd हमेशा इधर आएगा, अदरवाइज ये साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो इसीलिए ये होता है 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन xd। अब इम्पॉर्टेंट नोट पॉइंट, इतने पूरे डिस्कशन करने का एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट और कंक्लूजन निकल के आता है कि फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट जो हमारा है ev अपॉन में xd साइन डेल्टा, इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। और जब हम सिलिंड्रिकल रोटर देख रहे थे तो वहां पर सिर्फ आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर ही प्रेजेंट होता था ev अपॉन xt साइन डेल्टा, वहां पर देखिए क्योंकि
इन सिलेंड्रिकल रोटर एक्स डी और एक्स क्यू दोनों बराबर होते हैं हमारे वहां पर, तो उसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे एक्सेस से, ठीक है। तो ईवी अपॉन एक्सेस साइन डेल्टा बोल दे रहे थे हमारा कहां पर, सिलेंड्रिकल रोटर में, और इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। सेकेंड पार्ट को क्या बोल रहे हैं हम लोग, वी स्क्वायर अपॉन में टू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी साइन टू डेल्टा, साइन टू डेल्टा, और इस पार्ट को हम बोलते हैं रिलक्टेंस पावर। क्या बोलते हैं इसे हम, रिलक्टेंस पावर, और इसे आपको अंडरलाइन कर लेना है, इसे आपको अंडरलाइन करना है। अगर आपका प्री से कोई क्वेश्चन अपीयर होता है इस टॉपिक से, तो जरूर आपको रिलक्टेंस पावर से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कैसा क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगी, तब तक कि बस आपको ये समझना है कि सेलियंट पोल के लिए दो पार्ट होता है पावर में, एक होता है रिलक्टेंस पावर ईवी अपॉन में एक्स डी साइन डेल्टा, सेकेंड जो पावर होता है वो होता है वी स्क्वायर अपॉन में टू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी साइन टू डेल्टा, एंड दिस पावर इज नोन एज रिलक्टेंस पावर। ठीक है, इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो रिलक्टेंस पावर को आप अगर अच्छे तरीके से देखेंगे तो यहां पर देखिए कोई भी एक्साइटेशन का टर्म नहीं आ रहा है, ये वी स्क्वायर अपॉन में टू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी साइन टू डेल्टा आ रहा है। तो इससे आपको ये बताना समझ में आना चाहिए कि रिलक्टेंस पावर किस पे डिपेंड नहीं करता है, एक्साइटेशन पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो इसको आपको नोट पॉइंट में लिखना है, रिलक्टेंस पावर इज इंडिपेंडेंट ऑन इंडिपेंडेंट ऑफ एक्साइटेशन, जिसे हम बोल रहे हैं ई, कहीं भी ई पे डिपेंड नहीं कर रहा आप लोगों का रिलक्टेंस पावर, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये है कि अगर आप इवन इफ द फील्ड करंट, इसका ये मतलब है इवन इफ द फील्ड करंट एक्साइटेशन इज रिमूव्ड, ठीक है, फील्ड करंट इज जीरो, इवन इफ द फील्ड करंट इज जीरो, फील्ड करंट अगर जीरो होगा तभी हमारा क्या हो जाएगा, ई जीरो हो जाएगा, एक्साइटेशन जीरो होगा, एक्साइटेशन इज जीरो, देन ऑल्सो अ सेलियंट पोल अल्टरनेटर, या फिर मशीन लिख दीजिए, मशीन डेवलप रिलक्टेंस पावर, या फिर इसको पावर ड्यू टू सेलियंसी भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में आप लिख लीजिए, पावर ड्यू टू सेलियंसी। ठीक है, समझ में आया। और ये हमारा क्या है, देखिए अगर मैं फील्ड करंट को जीरो कर देती हूँ, एक्साइटेशन को हम लोग कंप्लीटली रिमूव कर दे रहे हैं, तब भी हमारा सेलियंट पोल क्या जनरेट करेगा, हमारा जनरेट करेगा रिलक्टेंस पावर, क्योंकि सेकेंड पार्ट हमारा बच रहा है। एक्साइटेशन जीरो होने का मतलब है ई वी अपॉन साइन डेल्टा, ई हमारा जीरो हो गया तो फर्स्ट पार्ट जीरो हो गया। तो हम ये बोलेंगे पावर इक्वेशन कंटेन्स ओनली सेकेंड पार्ट, ठीक है, सेकेंड पार्ट। और ये होता कितना है, रिलक्टेंस पावर जनरली होता है 15 to 20 पावर ऑफ फुल इज अराउंड 15 to 20% ऑफ टोटल पावर, जितना भी टोटल पावर रहेगा उसका 15 to 20% हमारा रिलक्टेंस पावर आएगा। सेलियंट पोल के केस में अगर एक्साइटेशन आप जीरो भी करते हैं तभी आप लोगों को पावर ड्यू टू रिलक्टेंस मिलेगा।
ठीक है, और कितना मिलता है 15-20%। और इस टाइप के हम लोगों को मशीन हमारा रोटेट करता है सिंक्रोनस स्पीड में इवन विदाउट एक्साइटेशन, और इस मशीन को हम लोग बोलते हैं अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन या फिर रिलक्टेंस मशीन। तो ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। ये सब आप लोगों को नोट पॉइंट में लिखना है, या फिर अगर आप थ्योरी लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, बट अदरवाइज नोट पॉइंट में लिखेंगे तो उस पर आपका पहले ध्यान जाएगा, ठीक है। नोट पॉइंट, इस असेलियंट पोल मशीन, असेलियंट पोल मशीन रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड, रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड इवन इफ एक्साइटेशन इज जीरो, इवन इफ इट्स एक्साइटेशन इज जीरो, एक्साइटेशन इज जीरो, एंड दिस टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन और रिलक्टेंस मशीन, ठीक है। तो देखिए अब आपका एमसीक्यूस क्वेश्चन इस टॉपिक से ही आता है, इस तरीके से आता है। आप लोगों को बोलेगा क्वेश्चन में एन अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन डेवलप्स विच टाइप ऑफ पावर, देन यू हैव टू से एन अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मशीन डेवलप रिलक्टेंस पावर बिकॉज द मशीन कैन रोटेट एट अ सिंक्रोनस स्पीड इवन इफ इट्स फील्ड एक्साइटेशन इज जीरो बिकॉज द सेकेंड टर्म्स प्रेजेंट एंड इट इज ड्यू टू बिकॉज ऑफ द रिलक्टेंस पावर। इतना समझ में आप लोगों को यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, और हम लोगों को नोट पॉइंट एक और देखना है। इन सिलेंड्रिकल रोटर हम लोगों को ये पता है, देखिए फ्रेंड्स xd इक्वल टू xq होता है तो सेकेंड टर्म पार्ट तो जीरो हो जाएगा। यहां पर अगर मैं लिखूं ev अपॉन में xd साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 2 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन xd साइन 2 डेल्टा, इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए xd इक्वल टू xq तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कब होगा, जब xd इक्वल टू आप xq लेंगे। इतना आप लोगों को समझ में आया, तो मुझे ये बताइए सिलेंड्रिकल रोटर के लिए हमारा पावर का इक्वेशन क्या आएगा। पावर का इक्वेशन हमारा जाएगा सिंपल, पावर पर फेस इज इक्वल टू ev अपॉन में x साइन डेल्टा। इन सिलेंड्रिकल रोटर, फर्स्ट सिलेंड्रिकल रोटर P इज इक्वल टू सिंपल ev अपॉन में x साइन डेल्टा। देखिए ये xd होता है, इस कई बुक में xs भी लिखा रहता है तो आप xs लिख लीजिए। xd लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिलेंड्रिकल रोटर के केस में xd इक्वल टू xq इक्वल टू हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस हम लेते थे। तो दिस इज द नेसेसरी इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अगर समझ आ गया तो आप मुझे बताइए सेलियंट पोल का। अब आप लोगों को मैं उम्मीद करती हूँ याद हो गया होगा फॉर्मूला, तो ये हम लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल पोल रोटर में। फॉर्मूला बताइए, P इज इक्वल टू ev अपॉन में xd साइन डेल्टा प्लस v स्क्वायर अपॉन 2 1 अपॉन xq माइनस 1 अपॉन xd साइन 2 डेल्टा। ये हो गया याद। अब आप क्या करिए, जब भी आप रिवीजन करेंगे तब आप लोगों को क्या है, आप लोगों को पूरा डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन नहीं पूछता है कि डराइव द पावर फ्लो इक्वेशन, आप लोगों को इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स पूछते हैं, या फिर जितना मैंने थ्योरी पढ़ाया है नोट पॉइंट बताया उससे आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है।
तो ये मैंने लिख दिया। अगर थ्री फेस पावर बोलेगा तो आप थ्री का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा थ्री ई वी अपॉन में एक्सेस कॉस सॉरी साइन डेल्टा। समझ में आया इतनी बात पूरी? समझ में आप लोगों को इतनी बात पूरी? ठीक है, देख लीजिए अच्छे तरीके से, देख लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है देख लीजिए अच्छे तरीके से। फिर मैं आगे डिस्कस करूंगी पावर एंगल कर्व, पावर एंगल कर्व, ओके ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, फॉर्मूला को रट लीजिए। अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालिए पावर एंगल कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एमसीक्यूज क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है। देखिए कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। देखिए अब हेडिंग आप डालिए नेक्स्ट पावर एंगल कर्व, पावर एंगल कर्व। अब ये पावर एंगल कर्व हो सकता है किसी स्टूडेंट को एकदम से नया लग रहा होगा, और कोई स्टूडेंट अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो उन्हें नॉर्मल ये सुना हुआ होगा। देखिए अगर आप न्यू हैं तो भी आप लोगों को समझ में आएगा, और ओल्ड हैं तो अपने कंसेप्ट और क्लियर करिए। आइए हम देखते हैं, तो हम बोल सकते हैं इट इज़ द कर्व बिटवीन एंगल डेल्टा एंड पावर, ठीक है, इट इज द कर्व बिटवीन डेल्टा एंड पावर, क्योंकि देखिए हम इसका यूज करने वाले हैं, तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा, डेल्टा के बीच में प्लॉट करेंगे, और ये हो जाएगा हमारा पी का, तो ये किसके किसके बीच का एंगल है, पावर वर्सेस एंगल, और ये हमारा होता है लोड एंगल या फिर डेल्टा टॉर्क एंगल। पहला फर्स्ट सिलेंड्रिकल रोटर का देखते हैं हम, उसके बाद हम सेलियंट पोल पे बात करेंगे। देख लीजिए सिलेंड्रिकल रोटर, तो अब आप मुझे ये बताइए कि पावर पावर हमारा जो इक्वेशन था सिलेंड्रिकल के लिए वो क्या था, ई वी अपॉन में एक्सेस साइन डेल्टा। यानी कि यहाँ से अगर मैं ये देखूँ पावर और साइन डेल्टा का, तो हम ये देख पा रहे हैं कि एक साइन का कर्व है, साइन का हमारा कर्व है, बना लेते हैं एक साइन कर्व, ये हो गया हमारा साइन का कर्व, इधर भी बना लेते हैं, बना लिए आप, ये हो जाएगा हमारा डेल्टा और ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस पी का, ओके। थोड़ा सा मैं और इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, देखिए पहले आप इतना नोट डाउन करिए, फिर इसमें से इम्पॉर्टेंट ये है कि मैक्सिमम पावर कहाँ पर डेवलप, कितने एंगल पर डेवलप होता है। मिटा देती हूँ वापस से, देखिए ये देखिए यहाँ से जब आप P मैक्सिमम निकालेंगे, अभी मैं सिर्फ सेलियंट पोल की बात कर रही हूँ, ई वी अपॉन में एक्सेस, और यहां पर देखिए साइन डेल्टा है, साइन डेल्टा की वैल्यू किस पे होती है हमारी, डेल्टा की वैल्यू, साइन डेल्टा इज मैक्सिमम कब होती है, जब डेल्टा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, क्योंकि जब साइन 90 डिग्री आप रखेंगे तब हमारा क्या हो जाता है, साइन 90 होता है 1, और 1 पे हमारी होती है साइन की मैक्सिमम वैल्यू, साइन डेल्टा अगर 1 रख दिए तो ये हो जाएगा ई वी अपॉन एक्सेस। इस टाइप का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, कई बार आपको इससे बेस न्यूमेरिकल पूछ लेता है, सिंपल ई दिया रहेगा, वी दिया रहेगा, एक्सेस दिया रहेगा, बोलेगा मैक्सिमम पावर डेवलप्ड निकालो, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन। सेकंड टाइप का आप लोगों को यह लिखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इज मैक्सिमम एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि यही हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर था।
और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हम देख पा रहे हैं क्या है, डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रही है। ये होता है हमारा, देखिए ये पूरा होता है 180 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारी 90 डिग्री। अगर इस तरफ मैं देखूँ तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, माइनस 180 माइनस 90। अब इस रीजन के अगर ये बियॉन्ड गया, ठीक है, अगर डेल्टा को आप बढ़ाएंगे तो डेल्टा की वैल्यू जैसे 90 से क्रॉस होती है तब हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड का कंडीशन आ जाता है। तो इस रीजन में हमारा सिस्टम स्टेबल रहेगा, इससे वैल्यू अगर कम रहेगी तब हम बोलेंगे स्टेबल रहेगा, अदरवाइज ये हमारा रीजन है अनस्टेबल रीजन। तो क्वेश्चन आपका एमसीक्यूस क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इन अ सिंक्रोनस जनरेटर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इज मैक्सिमम एट डेल्टा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर इज मैक्सिमम एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री एंड बियॉन्ड 90 डिग्री द अल्टरनेटर द सिस्टम बिकम अनस्टेबल। तो यहाँ से रेंज है कितना, बिलो 90 डिग्री ये होना चाहिए, किसके लिए, ये हमारा है जनरेटर के लिए। जब आप नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो ये पूरा हो जाता है मोटर के लिए, क्योंकि हम मशीन देख रहे हैं तो जनरेटर और मोटर हम लोगों को दोनों देखना पड़ेगा। ये रीजन हमारा हो जाएगा स्टेबल और ये हो जाएगा हमारा अनस्टेबल रीजन, ठीक है। ये पूरा होता है हमारा पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स, किसका, पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर सिलेंड्रिकल रोटर, ठीक है। सिलेंड्रिकल रोटर के लिए हमारा ये पावर एंगल कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। अब इसके बाद आप लोगों को सेकंड ये देखना है कि अपना सेलियंट पोल के लिए पावर एंगल कर्व क्या होता है, ठीक है, पावर एंगल कर्व क्या होता है। तो आइए देखते हैं, ये पूरा मैं मिटा दूंगी, फिर दोबारा से लिखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे और इससे बेस्ड आपका एमसीक्यूज क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब हेडिंग आप डाल लीजिए पावर एंगल कर्व फॉर सेलियंट पोल मशीन, सेलियंट पोल मशीन के लिए पावर एंगल कर्व कैसा बनेगा। तो कई बार पूछता है पावर एंगल कर्व किसके किसके बीच में प्लॉट की जाती है वो चीज़, तो यहाँ पर आप हेडिंग लिख लीजिए और इसे आप इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट पावर एंगल कर्व, पावर एंगल कर्व फॉर सेलियंट पोल मशीन। एक सेलियंट पोल मशीन के लिए आपका पावर एंगल कर्व क्या होगा, वही चीज़ हम आप यहाँ पर देखने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट मार्क करिए, एमसीक्यूज क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो कभी भी जब आप पावर एंगल कर्व ड्रॉ करेंगे देन यू हैव टू रिमेंबर इट्स पावर फॉर्मूला, ई वी अपॉन में एक्स डी, साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू, 1 अपॉन एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स डी साइन 2 डेल्टा। इतना समझ में आ गया ये इक्वेशन। जैसा कि हम लोगों देखे थे ये हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, और ये हमारा है देखिए पी प्रोपोर्शनल हो जा रहा है साइन डेल्टा। तो ये हमारा साइन डेल्टा के ही कर्व पे बनेगा। सेकंड हम लोगों ने देखा था रिलक्टेंस पावर, रिलक्टेंस पावर देखिए पावर कैसा हो जा रहा है हमारा, प्रोपोर्शनल टू साइन 2 डेल्टा आ रहा है, साइन 2 डेल्टा आ रहा है। आइए ड्रॉ कर लेते हैं, देखिए ये हमारा हो जाएगा पावर और ये हो जाएगा हमारा डेल्टा। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं कुछ इस तरीके का ग्राफ ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा क्या बनेगा, ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर बनेगा जिसे मैं बोल सकती हूँ टी पी ई एम का कर्व है, ये पी ई एम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर लिख लीजिए, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो सकते हैं पी ई एम, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू जैसा कि हम लोगों ने देखा, ये थोड़ा सा अच्छे से बनाएंगे तो ऐसा बनेगा,
90 डिग्री, ये 180 डिग्री। यहाँ पर क्या है हमारा PEM मैक्सिमम है, इतना तो आप लोगों को अभी तक समझ में आया होगा आई होप। अब यहाँ से आप मुझे ये बताइए कि रिलक्टेंस पावर इज प्रोपोर्शनल टू साइन 2 डेल्टा, तो यहाँ पर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं बोलना चाहूँगी तो एक हमारे इस साइकिल के अंदर दो हमारे इस टाइप से कर्व बनेंगे, देखिए साइन 2 डेल्टा, साइन 2 डेल्टा है, तो साइन 2 डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी आप मुझे ये बताइए। अगर इसको आप इसको देखना चाहेंगे ये मैक्सिमम होगी तो 2 डेल्टा इक्वल टू होगा हमारा 90 डिग्री, डेल्टा इक्वल टू 45 डिग्री। साइन 2 डेल्टा की वैल्यू जब आप 1 रखते तो मैक्सिमम होता, और आप लोग को ये पता है कि साइन हमारा 90 डिग्री होना चाहिए 2 डेल्टा की वैल्यू, तो डेल्टा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ रहा है, देखिए 45 पे मैक्सिमम आ रहा है। तो ये हमारा जो कर्व है रेड वाला ये हमारा रिलक्टेंस पावर है, जिसे आप बोल दीजिए पी रिलक्टेंस, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन। तो देखिए ये प्लस प्लस है तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू समथिंग यहाँ हो जाएगी आपकी मैक्सिमम वैल्यू, तो कुछ इस टाइप का आपका मैक्सिमम वैल्यू बनेगा। और इसकी वैल्यू आप नोट कर लीजिए 60-70 डिग्री इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है 60-70 डिग्री इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। ये मैं और अच्छे तरीके से, ये हमारा समथिंग ऐसा आएगा, ये हमारा है पी टोटल इज इक्वल टू पी ई एम प्लस पी रिलक्टेंस। देख लीजिए जब आप इसका रिजल्टेंट लेंगे तब आपका रिजल्टेंट कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, और ये हमारा हो जाएगा पूरा अल्टरनेटर के लिए, ये हमारा पूरा हो जाएगा अल्टरनेटर के लिए। समझ में आया इतनी बात, देख लीजिए यहां से हमने क्या किया है, सिर्फ इसका रिजल्टेंट लिया है। तो आप बोलेंगे नोट पॉइंट में आपको ये लिखना है कि अ सेलियंट पोल, अ सेलियंट पोल और मशीन विल डेवलप मैक्सिमम पावर एट डेल्टा इज इक्वल टू 60-70 डिग्री। तो आपका MCQs क्वेश्चन ये प्रीवियसली ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है, इसमें बोला है सेलियंट पोल मशीन मैक्सिमम पावर कब डेवलप करता है, तो आपको ये बताना है कि डेल्टा इज इक्वल टू 60-70 डिग्री के बीच में होता है, और हम ये बोल सकते हैं देखिए लेस देन 90 पे ये मैक्सिमम आ रहा है, तो आप ब्रैकेट में लिख लीजिए लेस देन 90 डिग्री, ठीक है लेस देन 90 डिग्री। ये पूरा डिस्कशन है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेफिनेटली MCQs क्वेश्चन यहाँ से देखने को आपको मिलेगा। अगर मान लीजिए कहीं ऑप्शन में 60-70 डिग्री नहीं है, डेल्टा लेस देन 90 डिग्री है, तो वो आप लगा सकते हैं, और अगर इस टाइप का भी ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, नन ऑफ द अबव आंसर लगा सकते हैं। बट कभी भी 45 डिग्री नहीं लगाना है या 90 डिग्री नहीं लगाना है, 45 डिग्री तभी आ रहा है जब ये रिलक्टेंस पावर के बारे में बात करेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कब आ रही है, तब हम बोलेंगे रिलक्टेंस पावर विल अटेंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट डेल्टा इक्वल टू 45 डिग्री एंड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर विल डेवलप इट मैक्सिमम वैल्यू एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये 3-4 पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली इससे आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फ्रेंड्स इतनी 3 बातें आप लोगों को समझ गए तो इससे ज़्यादा आपको थ्योरी इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये पूरा डिस्कशन था हमारा पावर इक्वेशन का, पावर एंगल कर्व का। इसके बाद हम देखेंगे सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट, ये भी इम्पॉर्टेंट है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट। तो नेक्स्ट हेडिंग आपका रहना चाहिए सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट डाल लीजिए। इसमें भी हम एक बार देखेंगे सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, फिर हम देखेंगे सेलियंट पोल के लिए, और किस टाइप का क्वेश्चन आता है उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है।
हेडिंग डालिए सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट। इसे और क्या क्या बोलते हैं सबसे पहले तो हम वो देख लेंगे, उसके बाद हम डेफिनेशन देख लेंगे कि ये क्या कोफिशियंट होता है। ठीक है, पहला इसको हम बोलते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। अगर कहीं स्टेबिलिटी फैक्टर दिखा तो ये सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट है। इसी को हम बोलते हैं रिजिडिटी फैक्टर। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं स्टिफनेस फैक्टर। तो ये तीन चार टर्मिनोलॉजी अगर आपको देखने को मिलती है तो आपको समझ जाना है कि सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगा, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट। इसका डेफिनेशन आप लिख लीजिए, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट इज द रेट एट विच द सिंक्रोनस पावर वेरीज विथ लोड एंगल। तो डेफिनेशन इसका ये है, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट इज डिफाइंड एज, इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ द रेट एट विच द रेट एट विच synchronous the rate at which the synchronous power varies with load varies with load। मतलब ये है कि उस रेट पे जिस रेट पे हमारा सिंक्रोनाइजिंग पावर चेंज विथ लोड एंगल, ठीक है, विथ लोड एंगल, उस रेट से जब हमारा पावर किससे चेंज होगा, लोड लोड एंगल से। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की बात करूं फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिकली सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशिएंट को देखिए, कई जगह पर ऐसा लिखा होता है पी सिंक्रोनस इज इक्वल टू डी पी अपॉन में डी डेल्टा। ये समझ में आप लोगों को, डी पी अपॉन डी डेल्टा मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर विथ रिस्पेक्ट टू लोड एंगल के रिस्पेक्ट में ये चेंज हो रहा है। इतना समझ में आया, तो ये हमारा डेफिनेशन है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट सिलेंड्रिकल रोटर, सिलेंड्रिकल रोटर। अब आप मुझे ये बताइए कि सिलेंड्रिकल रोटर के केस में हमारा पावर कितना होता है। तो हम ये जानते हैं कि P इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा अपॉन में X, ठीक है, एक्सेस है या फिर X लिख रही हूँ वो बड़ा इशू नहीं है, सिर्फ आपको ये इक्वेशन समझ में आना चाहिए। अब आप क्या करिए, इसे डिफ्रेंशिएट करके मुझे बताइए कितना आएगा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा। ई वी अपॉन क्या है हमारा, कॉन्स्टेंट है, रख दिए ई वी अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट। साइन का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस डेल्टा, तो यही हमारा आता है पी सिंक्रोनाइजिंग इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर कॉस डेल्टा। इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, अब आपको ये समझना है कि अगर ई वी अपॉन एक्स कॉस डेल्टा दिख गया तो ये कंफ्यूज नहीं होना है कि साइन डेल्टा था या कॉस डेल्टा था। सिंपली आपको इक्वेशन याद रखना है पावर का, उससे डिराइव उसे डिफ्रेंशिएट करके कॉस डेल्टा की वैल्यू निकालनी है, और यही हमारा होगा सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट इन केस ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर। इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट कॉस डेल्टा के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर आपका कॉस का एंगल बनेगा, ठीक है, कॉस का वेव फॉर्म बनेगा। बना लीजिए कॉस का वेव फॉर्म, ये हो जाएगा डी पी अपॉन में डी डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, डी पी अपॉन में डी डेल्टा विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, इसी को हम बोलते हैं पी सिंक्रोनाइजिंग, और ये हमारा होता है कॉस का ग्राफ। देख लीजिए यही हमारा कॉस का ग्राफ, कॉस का ग्राफ है, एक्सटेंड कर दीजिए,
इसी में देखिए, अगर आप पी का भी ड्रॉ करना चाहते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेल्टा, तो ये हमारा होता है साइन का कर्व, ये हो जाता है हमारा साइन का। अभी मैंने बताया था कुछ इस तरीके का ग्राफ बन रहा था, देख लीजिए, ये आपका है पी और ये है आपका ब्लैक वाला पी सिंक्रोनस। तो ये हमारा हो जाएगा सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट का, ब्लैक वाला हमारा है पी सिंक्रोनस, डेल्टा के रिस्पेक्ट में है, कॉस डेल्टा का ग्राफ बनाया। तो अगर इस टाइप का आप लोगों को मिलता है कहीं ग्राफ देखने को या वेव फॉर्म देखने को, तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूज नहीं होना है, ओके। और स्टेबल रीजन के हमेशा डी पी अपॉन में डी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। लिख लीजिए इस पॉइंट को भी, फॉर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी के लिए, फॉर स्टेबिलिटी डी पी अपॉन में डी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। अगर लेस देन जीरो तो हमारा सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। और मार्जिनल स्टेबल के लिए, फॉर मार्जिनल स्टेबल डी पी अपॉन में डी डेल्टा होता है जीरो, और अनस्टेबल के लिए अगर मैं बोलूं, अनस्टेबल के लिए अगर मैं बोलूं तो डी पी अपॉन में डी डेल्टा लेस देन जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों को एमसीक्यूज क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसे आप क्या कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां तक आपका सिलेंड्रिकल का पावर कोफिशियंट का, ठीक है, टॉपिक खत्म हुआ। सेकंड हम देखेंगे पावर कोफिशियंट फॉर सेलियंट पोल। सेलियंट पोल रोटर के लिए क्या होगा, जरा इस पर भी हम बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर आप लोगों को पावर का इक्वेशन फिर से लिखना पड़ेगा, मैं लिख रही हूँ पावर का इक्वेशन, आप मैच करते रहिएगा और मेरे साथ साथ आप लिखने की कोशिश करिए ताकि आपको प्रैक्टिस हो। ये हो जाएगा ईवी अपॉन में एक्स डी साइन डेल्टा प्लस वी स्क्वायर अपॉन में टू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी साइन साइन टू डेल्टा, इतना आप लिख लिए होंगे आई थिंक। क्रॉस वेरीफाई करिए आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। ठीक है, यहां से मुझे बताइए डीपी अपॉन में डी डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। डीपी उसको पूरे को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, यानी कि डी बाई डी डेल्टा ऑफ ईवी अपॉन एक्स डी साइन डेल्टा, एक तो ये टर्म हो गया, प्लस डी बाई डी डेल्टा ऑफ सेकेंड टर्म वी स्क्वायर अपॉन में टू वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी साइन टू डेल्टा। इतना समझ में आया, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए और मुझे पी सिंक्रोनस की वैल्यू बताइए सेलियंट पोल के लिए। ये हो जाएगा साइन डेल्टा का कॉस डेल्टा ई वी अपॉन में एक्स डी कॉस डेल्टा प्लस वी स्क्वायर बाई टू, साइन डेल्टा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कॉस टू डेल्टा, कॉस टू डेल्टा इंटू टू, तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी, ये तो कॉन्स्टेंट है। साइन टू डेल्टा का होता है कॉस टू डेल्टा, और टू डेल्टा का मैंने ऑलरेडी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पर टू का कर दिया है, तो ये टू हो जाएगा कैंसल। फाइनल हमारा जो पी सिंक्रोनस आएगा उसको अब आप नोट डाउन कर लीजिए, ई वी अपॉन में एक्स डी कॉस डेल्टा प्लस वी स्क्वायर वन अपॉन एक्स क्यू माइनस वन अपॉन एक्स डी कॉस टू डेल्टा। तो ये आपका हो गया पूरा फाइनल इक्वेशन, किसके केस में, सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट फॉर अ सेलियंट पोल मशीन। सेलियंट पोल मशीन के लिए हो जाएगा, इसमें भी सेम केस रहेगा, अगर स्टेबिलिटी के लिए चाहिए आपको तो डी पी अपॉन डी डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, फॉर मार्जिनल स्टेबल डी पी डेल्टा अपॉन डी पी अपॉन डी डेल्टा इक्वल टू जीरो, एंड फॉर अनस्टेबल डी पी अपॉन डी डेल्टा इज लेस देन जीरो, यानी निगेटिव आना चाहिए। अगर निगेटिव आता है तब आप क्या कहेंगे, हमारा सिस्टम अनस्टेबल है। ठीक है, यहां तक समझ में आया, तो मैं ये बोल सकती हूँ स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, लास्ट इसमें आप एक नोट पॉइंट और ऐड कर लीजिए, लास्ट एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए,
स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी सिंक, यानी कि अगर सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट ज़्यादा होगा तो हमारा स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगा, और अगर कम होगा तो स्टेबिलिटी भी कम होगा, ठीक है। और हम लोग ये भी बात किए थे कि एक ओवर एक्साइटेड मशीन हमेशा क्या होता है, स्टेबल होता है जनरली, तो इसके आगे और आप लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्साइटेशन, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए एक और नोट पॉइंट ये लिखना है कि एन अल्टरनेटर इज जनरली डिजाइन्ड विथ हाई सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट टू इंक्रीज स्टेबिलिटी एंड ओवर एक्साइटेड ऑल्टरनेटर। तो ये थोड़ा सा मैं आगे पीछे करती हूँ, बट मैं आपको ये बता देती हूँ कि एन ऑल्टरनेटर इज डिजाइंड जनरली विथ हाई सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट एंड ओवर एक्साइटेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी। तो ये हमारा टॉपिक खत्म होता है सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट पे। अभी हम देखेंगे पावर फ्लो इक्वेशन क्या होगा ऑल्टरनेटर का, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये हम लोग सेलियंट पोल का पावर और सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट का डेरिवेशन हम लोगों ने देखा था। अब हम देख लेते हैं पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटर। तो यहाँ पर ऑल्टरनेटर लिखा है, लेकिन सेलियंट पोल का हम लोगों ने देख लिया है। सिलेंड्रिकल रोटर का मैं एक बार और बताना चाहूँगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर देखा जाए तो पहले मुझे सिलेंड्रिकल करवाना था, फिर सेलियंट पोल कराना था, बट कोई बात नहीं, आप जैसे भी पढ़िए आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए यहाँ पर पावर फ्लो इक्वेशन ऑफ सिलेंड्रिकल रोटर। देखिए सिलेंड्रिकल रोटर है, तो आप लोगों को कभी भी दो रिएक्टेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक रिएक्टेंस हम यूज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस XS। और अगर हम R और X को कंबाइन करके लिखेंगे तो सिंक्रोनस इम्पीडेंस लिखेंगे। लेकिन जब आप सेलियंट पोल अभी देख रहे थे, तो वहाँ हम दो रिएक्टेंस से शो किए थे XD और XQ। तो यही हमारा मेनली अंतर होता है, एयर गैप की वजह से दो रिएक्टेंस हमारे आ जाते हैं सेलियंट पोल में। देखिए डायग्राम मैं ड्रॉ कर ले रही हूँ, सर्किट डायग्राम। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा रिएक्टेंस है, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंड्यूस्ड EMF होगा, देख लीजिए इंड्यूस्ड EMF होगा, और हमारा राइट साइड में टर्मिनल वोल्टेज होगा, ठीक है, जिसे भी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर ले रही हूँ, इसे भी यहाँ पर मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये हमारा इंड्यूस्ड EMF है, EMF जनरेटेड है, इसका हम एंगल लेते हैं डेल्टा, और यहाँ पर हमारा ये टर्मिनल वोल्टेज होता है जिसको हम रेफरेंस लेते हैं और एंगल लेते हैं 0 डिग्री। वी को आप हमेशा 0 डिग्री कंसिडर करेंगे और ई के साथ एंगल कंसिडर करेंगे डेल्टा, क्योंकि हम लोग देखे थे डेल्टा इज द एंगल बिटवीन ई एंड वी, और डेल्टा हम लोग बोलते हैं लोड एंगल या फिर टॉर्क एंगल कहा जाता है इसको। ये हमेशा हमारा डेल्टा किसके किसके बीच का एंगल होता है, देखिए ई और वी के बीच का हमारा एंगल होता है, ठीक है, देख लीजिए, इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। यहां पर मैं इसको नेमिंग कर देती हूँ, ये हमारा आर्मेचर रेजिस्टेंस है, सिंक्रोनस रिएक्टेंस है, और ये हमारा हो जाएगा करंट। अब आप सोच रहे होंगे मैंने करंट का डायरेक्शन ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि हमारा क्या होता है जनरेटर को डिलीवर करना होता है, इसीलिए हमारा करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, ये इस तरफ होता है जब हम मोटर को कंसिडर करते। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम, दिस इज आवर इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। इतना समझ में आया, देख लीजिए आप लोग अच्छे तरीके से। इसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं है, लूप में बना करके इक्वेशन लिखना है, ठीक है। इसमें आप लगा दीजिए
लूप, इस टोटल को मिला करके देखिए, आप लोगों को ये पता है रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस इक्वल टू जेड एस होता है, और इसे हम बोलते हैं आर ए प्लस जे एक्सेस। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अप्लाइंग केवीएल इन द लूप वी गेट, हम लोगों को क्या मिल रहा है देख लीजिए, मिल रहा है माइनस ई एंगल डेल्टा प्लस जेड एस इंटू आई ए प्लस वी, ठीक है देख लीजिए, इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपको आई ए की वैल्यू निकालनी है, निकाल करके मुझे बताइए क्या हो जाएगा। जेड एस आई ए इज इक्वल टू, इसको इस तरफ भेजिए तो ये हो जाएगा ई एंगल डेल्टा माइनस वी एंगल जीरो। समझ में आया, कुछ नहीं किया है मैंने, इस इक्वेशन को लूप के फॉर्म में लिखा है, लूप से लिखा है, और आई ए की मुझे वैल्यू चाहिए। तो यहां से आई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखिए, ई ए टेन एंगल डेल्टा माइनस वी ए टेन एंगल जीरो डिग्री अपॉन में जेड एस। इतना समझ में आया आप लोगों को। अब हमें यहां पर जेड एस को इसके एंगल में सब लोगों को रिप्रेजेंट करना है एंगल के फॉर्म में, एंगल फॉर्म। तो इसका एंगल का फॉर्म क्या हो जाएगा, ये ई ए टेन एंगल डेल्टा तो है ही हमारा, माइनस वी एंगल जीरो अपॉन में जेड एस एंगल। देखिए मैं आप लोगों से पहले डिस्कस की थी, हम इम्पीडेंस ट्राइंगल जब ड्रॉ करते हैं तो इस वाली क्वांटिटी को हम जेड एस लेते हैं, सिंक्रोनस इम्पीडेंस, इसे हम लेते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस, और इसे हम लेते हैं सिंक्रोनस रिएक्टेंस। इसके बीच का एंगल होता है थीटा, ठीक है, थीटा हमारा ये वाला एंगल होता है। तो यहां से आप लोग क्या क्या समझ सकते हैं पहले मुझे ये बताइए, इससे आप लोगों को क्या निकालना है, टेन थीटा की वैल्यू मुझे बताइए। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये हो गया। साइन थीटा की वैल्यू मुझे बताइए, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जेड एस करेक्ट है, इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आर ए अपॉन में जेड एस। तो इतनी सारी वैल्यू आप इस इम्पीडेंस ट्राइंगल से जान सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को मैं यहाँ पर अब थीटा से रिप्रेजेंट करती हूँ, क्योंकि थीटा जो है एंगल किसका है, इम्पीडेंस का है। तो यहाँ से अब इसको आप इक्वेशन वन मान लीजिए, दिस इज आवर इक्वेशन वन, ऑल राइट, सही है ये, दिस इज आवर इक्वेशन वन। अच्छे तरीके से देखिए, एक एक चीज को नोट करना है आप लोगों को। इसे मैं रब कर रही हूं क्योंकि इसकी अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। देख लीजिए, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं। अब आप देखिए, यहाँ से आप लोगों को आई कंजुगेट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ये हमारा है आई कंजुगेट। अब अगर आप लोगों को आई कंजुगेट नहीं समझ में आता है तो मैं एक बार आप लोगों को बताना चाहूँगी। देखिए कंजुगेट का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग ए प्लस जे बी लिखते हैं, ये हमारा क्या है, ए प्लस जे बी है। इसे हम लोगों को अगर इसका कंजुगेट निकालना पड़ा, मान लीजिए ये वाई की वैल्यू है, तो y कंजुगेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा पॉजिटिव वाला साइन निगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये a माइनस जे भी हो जाता है। कुछ नहीं है, पॉजिटिव का निगेटिव हो जाता है, निगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है इस j वाले टर्म में, इस j वाले टर्म में हम लोगों का निगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आया, ठीक है, यानी एंगल ऑपोजिट हो जाएगा हम लोगों का। तो यहां से i एक बार और लिख लेते हैं, देखिए I इज इक्वल टू ई एंगल, देखिए ये डेल्टा है, ये थीटा है, इस थीटा को मैं ऊपर ले जाऊंगी तो विथ अ नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन के साथ ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल्टा माइनस थीटा। इतना बात क्लियर होना चाहिए आप लोगों को कि ये डेल्टा के साथ ये माइनस थीटा आ जाएगा, इस थीटा को अगर मैं ऊपर लेके जाती हूँ तो। सेकेंड,
ये 0 डिग्री है, ये थीटा है, ये इसके साथ ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस थीटा अपॉन में जेड एस, ठीक है। यहां से अब आप आई कंजुगेट की वैल्यू निकालिए, तो आई कंजुगेट में हम लोगों का क्या हो जाता है, देखिए ये हो जाएगा हमारा ई, ये हो जाएगा इसके साथ जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थीटा माइनस डेल्टा, ठीक है। माइनस वी, माइनस थीटा है तो ये हो जाएगा प्लस थीटा अपॉन में जेड एस। इतना आप लोगों को समझना है मैं क्या की हूँ, फिर से एक बार मैं देखिए फटाफट एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। मैंने क्या किया है, सबसे पहले लूप लगाया है, लूप से मैंने आई की वैल्यू निकाली है, आईए की, आईए की वैल्यू यहाँ से ई एट एन एंगल डेल्टा माइनस बी एट एन एंगल जीरो अपॉन जेड एस, तो जेड एस का भी हमें एंगल लेना है, थीटा लिया है हम लोगों ने एंगल। उसके बाद हम क्या किए हैं, इस ई के साथ इस एंगल को नीचे वाले को ऊपर लेके गए हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में लिखे हैं, तो इस तरीके का आएगा। कंजुगेट लीजिए तो ये ऑपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब आप लोगों को पता है एस हमारा होता है, देखिए एपरेंट पावर, एपरेंट पावर होता है जो होता है पी प्लस जे क्यू, और वेयर एस इज आवर एपरेंट पावर, ठीक है। एस जो होता है कैपिटल एस, ये होता है देखिए फ्रेंड्स एपरेंट पावर, टोटल पावर को हम बोलते हैं, जो कॉम्बिनेशन होता है पी प्लस जे क्यू का, पी हमारा होता है रियल पावर और क्यू हमारा होता है रिएक्टिव पावर। ये मैं उम्मीद आप लोगों से कर सकती हूँ कि आप जब बेसिक सर्किट पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर आप लोगों को पावर का अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो फिर से मैं बताना नहीं चाहूँगी, क्योंकि अगर मैं ये फिर से ये बताऊँगी कि ये कैसे हुआ, कौन सा एपरेंट पावर क्या होता है, तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर मैं बस लिख दे रही हूँ, पी इज इक्वल टू रियल पावर एंड क्यू इज आवर रिएक्टिव पावर, ठीक है। ये होता है हमारा वॉट में, या फिर किलोवाट है तो किलोवाट होगा, और ये होता है वीएआर में या फिर केवीएआर में, यूनिट इतना मैं आप लोगों को बता सकती हूँ, ठीक है। और ये हमारा एस क्या होता है, देखिए वी आई ए कॉन्जुगेट होता है, ये तो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पता होगा, वी आई कॉन्जुगेट, वी आई कॉन्जुगेट होता है ये फॉर्मूले में। अब इसमें आपको क्या करना है, इक्वेशन इसको 2 मार्क कर लीजिए, इसे आप 2 मार्क कर लीजिए, इसे आप 3 मार्क कर लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, 2 की वैल्यू उठा करके आपको 3 में पुट कर देना है और मुझे बताना है कि आपका वैल्यू कितना आ रहा है एस का, ठीक है। आइए लिखते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में आप लोगों को वैल्यू को पुट करनी है, तो ये हमारा देखिए एस इज इक्वल टू वी, वी का एंगल है हमारा 0 इन टू आई ए कंजुगेट की वैल्यू ये है, तो यहाँ से हम पुट कर देते हैं वैल्यू को, ई एट एन एंगल थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी एट एन एंगल थीटा अपॉन में जेड एस। देख लीजिए, देख लीजिए समझ में आया, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को इसको पूरा सॉल्व करना है इक्वेशन को, यहाँ से सॉल्व जब आप करेंगे देखिए फ्रेंड्स, तो ये हमारा s इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट को आप अंदर लेके जाइए, तो ये आपका बचेगा e v एट एन एंगल थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस, ठीक है। v अंदर गया तो यहाँ पर बचेगा ये v स्क्वायर एट एन एंगल थीटा अपॉन में जेड एस। देख लीजिए, देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, आप लोगों को इसकी वैल्यू को पूरी को एक्सटेंड करना है, मान लीजिए अगर कहीं लिखा हुआ है एंगल थीटा तो उसको कॉस और साइन में आप लोगों को तोड़ना पड़ता है, ये आप लोगों को बिल्कुल कॉम्प्लेक्स का नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे इस चीज़ को, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। देखिए यहाँ पर मैं मिटा रही हूँ इसको, थोड़ा सा लंबा डेरिवेशन हो सकता है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे और दोबारा इसको याद करेंगे तब आप लोगों को अच्छे से याद हो जाएगा चीज़ें, अदरवाइज आप लोग भूल जाएंगे कि कैसे यहाँ ये आया हुआ था। इसको मैं तोड़ रही हूँ,
साइन और कोसाइन के टर्म में, तो कॉस और थीटा के फॉर्म में मैं यहाँ पर इसको तोड़ रही हूँ, तभी हम लोगों का पी और जे, पी प्लस जे क्यू का फॉर्मेट बनेगा। तो ये एस हो जाएगा, देखिए ई वी कॉस थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस, एक ये टर्म बना। प्लस अगर मैं इसका जे टर्म लिखूँ तो ये हो जाएगा जे ई वी साइन थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस, ठीक है, ये हो गया कॉस और साइन में टूट गया। माइनस में इसको तोड़ेंगे तो वी अपॉन स्क्वायर अपॉन में जेड एस कॉस थीटा प्लस जे वी स्क्वायर अपॉन में जेड एस साइन थीटा, ठीक है। फिर से यहाँ से मैं लिखना चाहूँगी एस की वैल्यू, तो एस इज इक्वल टू, अब ये कॉस और कॉस को एक साथ कर दीजिए, साइन और साइन को एक साथ कर दीजिए, तो कितना बचेगा आपका ई वी कॉस थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस माइनस वी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन में जेड एस। तो ये हमारा पूरा हो जाएगा, देखिए एक टर्म, ये पूरा एक टर्म हो गया, ठीक है। और दूसरा टर्म हम यहाँ पर लिखते हैं, जे को हम निकालते हैं बाहर में, तो यहाँ से ये देखिए नेगेटिव साइन है, तो इसके साथ ये नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये नेक्स्ट हम टर्म लिख लेते हैं, देखिए जे वाला, यहाँ से जे कॉमन निकाल देते हैं, उसके बाद जो भी टर्म बचा वो आप अंदर लिख लीजिए। अंदर यहाँ पर आप लोगों का ये आएगा ई वी साइन थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस, और ये वाला टर्म आएगा इसको हम लिखेंगे वी स्क्वायर अपॉन में जेड एस साइन थीटा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा, कुछ नहीं है, दो टर्म में हम लोगों ने बांट दिया है कॉस और साइन के टर्म में, जब आप खुद डिराइव करेंगे तब आप लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी। अब ये देखिए ये हमारा पी प्लस जे क्यू के फॉर्मेट में आ गया है, बस सिंपल है, आप कुछ नहीं करना है, अलग अलग कर लीजिए इस इक्वेशन को। ये हो जाएगा हमारा एस इज इक्वल टू, देखिए पी प्लस जे क्यू, ये पूरा है हमारा पी और ये हमारा पूरा क्यू, तो यहाँ पर अलग अलग करने के बाद हमारे यहाँ पी आपको मिलेगा, देखिए ई वी कॉस थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस माइनस वी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन में जेड एस। देख लीजिए इतना ही है कि कुछ गड़बड़ हुआ है, सही है बिल्कुल। ई वी अपॉन में ई वी कॉस थीटा माइनस डेल्टा अपॉन जेड एस माइनस वी स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन जेड एस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये चीज़ मैंने क्यों डराइव किया है, ये आप लोगों का एमसीक्यूज क्वेश्चन में आएगा क्या या फिर मेंस में आएगा क्या, तो ये डेरिवेशन कभी भी आप लोगों को नहीं पूछेगा, लेकिन इसका कुछ कंक्लूजन पूछता है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, तो कभी भी आप फॉर्मूला रट नहीं सकते हैं, इतना अगर लेंदी फॉर्मूला है कभी कोशिश मत करिएगा याद रखने की, क्योंकि डेफिनेटली आप भूल जाएंगे, प्रैक्टिस करके जाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं टर्म मिस हो जाता है। क्यू इज इक्वल टू क्या है लिख करके बताइए मुझे, ई वी साइन थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस माइनस वी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में जेड एस। इतना अगर आप लोगों को समझ में आया पी और क्यू, तो इसको नोट डाउन करके बॉक्स में फिल कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम कंक्लूजन पे जाते हैं, ठीक है, कि इससे हम क्या क्या चीज़ सीख सकते हैं। देख लीजिए ये ठीक है, सही है बिल्कुल। अब हम लोगों को स्पेशल हम लोगों को कंडीशन कंसिडर करना पड़ता है, तो स्पेशल केस ये है कि हम आर्मेचर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर दें, देखिए आर्मेचर रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर दें वो हमारा स्पेशल केस होगा, यहाँ पर लिख लीजिए आप स्पेशल केस, स्पेशल केस ये है कि आर ए इज इक्वल टू जीरो हमने कंसिडर किया है, ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का जेड एस जो होता था वो हमारा आर ए प्लस जी एक्स एस होता था, आर ए को आपने क्या किया है जीरो कंसिडर किया है, तो यहाँ से आपका जेड एस कितना बनेगा मुझे बताइए, जेड एस इज इक्वल टू जे एक्स एस, और मैं ये कह सकती हूँ हमारा जेड एस का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जे का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। इसको अब आप इक्वेशन को मॉडिफाई द अबोव इक्वेशन,
अबव इक्वेशन को हम मॉडिफाई करते हैं, यानी कि हम लोगों को थीटा का एंगल 90 डिग्री है। देखिए थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, क्योंकि थीटा क्या था, जेड एस का एंगल था, और जेड एस का एंगल अब हमारा क्या आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, यहाँ से हम लोगों की वैल्यू पी इज इक्वल टू ई वी कॉस 90 माइनस डेल्टा अपॉन में एक्सेस माइनस वी स्क्वायर कॉस 90 डिग्री अपॉन में एक्सेस। इतना समझ में आया? कॉस 90 की वैल्यू बताइए जीरो होती है, तो ये पूरा टर्म हो गया जीरो, इतना टर्म बचा। अब कॉस 90 माइनस डेल्टा क्या होता है, कॉस 90 माइनस डेल्टा होता है हमारा साइन डेल्टा। वैल्यू हम पुट कर लेते हैं। पी का फाइनल इक्वेशन बताइए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मैनी टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा, ई वी साइन डेल्टा अपॉन में एक्सेस। और यही आप हमेशा सिर्फ ये फॉर्मूला ज़्यादातर आप देखते थे, पी इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा अपॉन में एक्सेस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसे आप ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, ट्रिपल स्टार आप इसे मार्क कर लीजिए, देख लीजिए। इसे मैं अभी यूज करूंगी, उसके पहले हम क्यू का वैल्यू निकाल लेते हैं, इस वैल्यू को पुट करके इसमें, ठीक है। तो ये चीज मैं मिटा रही हूँ, इसका जरूरत नहीं है अभी। इस क्यू में यहाँ पर देखिए, इस क्यू में यहाँ पर मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख रही हूँ, यहाँ पर 90 डिग्री रख रही हूँ, उस केस में मैं क्यू निकालना चाह रही हूँ। क्यू आप मुझे निकाल करके बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पर हमारा Q इज इक्वल टू ई वी साइन 90 माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर साइन 90 अपॉन में एक्सेस अपॉन में एक्सेस। तो यहाँ से वैल्यू Q की वैल्यू क्या निकलेगी देख लीजिए, ई वी साइन 90 माइनस डेल्टा फ्रेंड्स होता है कॉस डेल्टा, ये हो जाएगा कॉस डेल्टा अपॉन में एक्सेस माइनस वी स्क्वायर अपॉन में एक्सेस। इसे मैं मिटा देती हूँ, इसकी ज़रूरत अब नहीं है। फाइनल आपको इक्वेशन अब याद करना है कौन सा, एक ये वाला इक्वेशन आपको याद रखना है और एक आपका ये वाला इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं कह रही हूँ। अंदर आ जाएगा ई कॉस डेल्टा माइनस वी। अब आपको फाइनल इतने डेरिवेशन से सिर्फ ये दो फॉर्मूला ही याद रखना है और ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देख लीजिए, पहला पी इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा अपॉन में एक्सेस। दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज योर प्री एग्जामिनेशन इज कंसर्न, इससे बेस्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, Q इज इक्वल टू वी अपॉन एक्सेस ई कॉस डेल्टा माइनस वी, दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ये ही दो फॉर्मूला आप लोगों को याद करना है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देती सिलेंड्रिकल रोटर के लिए, ये फॉर्मूला है आप इसे याद कर लीजिए, तो आप कभी भी इसे याद नहीं कर पाते, इसमें आपको हमेशा कन्फ्यूजन होती, इसीलिए मैं डराइव करके दिखाई हूँ कि देखिए इस तरीके का डेरिवेशन होता है, ये चीज़ यहाँ से आया है। अब आप चाहे याद रखें, चाहे रट लें, चाहे कुछ भी, लेकिन इसे आप लोगों को याद रखना है। तो इस दो फॉर्मूले को आप ट्रिपल स्टार मार्क करके अपने फॉर्मूला शीट में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, फॉर्मूला शीट में नोट डाउन कर लीजिए। आगे और मैं थोड़ा सा चीज़ समझाना चाहती हूँ, इससे हम क्या डराइव कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोगों को समझना है, ठीक है। अब इस पी के इक्वेशन को आप देखिए, अगर मुझे इस पी का पी इज इक्वल टू ई वी साइन डेल्टा अपॉन एक्सेस, ये देखिए हमारा पावर एंगल कर्व में ड्रॉ करना चाहूँ, जैसे हम सेलियंट पोल के लिए ड्रॉ किए थे, तो यहाँ से हमारा पावर एंगल कर्व क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा ऐसा हो जाएगा, साइन का कर्व आएगा, देख लीजिए ये साइन का कर्व है एग्जैक्टली, ये हमारा है पी मैक्सिमम, मैक्सिमम यहीं तक रीच करेगा ये वैल्यू,
और ये हमारा हो जाता है 90। तो यहाँ पर जब आप साइन डेल्टा की वैल्यू, साइन डेल्टा की वैल्यू 90 डिग्री रख रहे हैं, देखिए यहाँ पर डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री, तब उस केस में आपको पी मैक्स की वैल्यू देखने को मिलेगी। तो यहाँ से पी मैक्स इज इक्वल टू ई वी अपॉन में एस एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर हमारा साइन डेल्टा इक्वल टू 1 होना चाहिए एट डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री। देख लीजिए, ये मैं जनरेटर के लिए ड्रॉ की हूँ, अगर इस डायरेक्शन में आप ड्रॉ करते हैं तो वो हो जाएगा मोटर के लिए। तो ये हो गया हमारा सिंक्रोनस जनरेटर या फिर ऑल्टरनेटर के लिए। मैक्सिमम पावर कब होता है, जब 90 डेल्टा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इसे आप एमसीक्यूज क्वेश्चन में मार्क कर लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपका जनरली पूछा जाता है। ई वी, यहाँ पर कई बार वी टी देखने को मिलता है और ई एफ देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ई एफ वी टी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है, इसीलिए इसको वी टी से शो करते हैं, अदरवाइज बी से भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ई एफ है हमारा, तो ई एफ हमारा एक्साइटेशन वोल्टेज है, ठीक है, और एक्सेस हमारा सिंक्रोनस रिएक्टेंस है। अगर आप थ्री फेज के लिए पावर को लिखना चाहते हैं तो ये हमारा थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं P थ्री फेज भी लिख दे रही हूँ, देखिए 3 EV साइन डेल्टा अपॉन में एक्सेस। तो यही सारी चीज़ें आपसे पूछा जाता है। अब आपको अगर आप MCQs क्वेश्चन पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन डेल्टा 90 डिग्री आएगा, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को E की वैल्यू दे देगा, V की वैल्यू और एक्सेस की वैल्यू दे करके P मैक्सिमम की वैल्यू आपसे कैलकुलेट करने को पूछेगा, ठीक है। यहाँ से अब आप एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ से जैसा कि अभी मैंने डिस्कस किया था सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट, तो ये हमारा होता था dP अपॉन में d डेल्टा। इसे जब आप इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, देखिए ये आपका बनेगा EV cos डेल्टा अपॉन में एक्सेस। तो ये हमारा आ जाएगा सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया अच्छे तरीके से कि मैं क्या चीज़ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ और किस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको वो ग्राफ देखने को मिल जाता है, उससे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कई बार आप लोगों को ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, कई बार सिंक्रोनाइजिंग पावर कोफिशियंट पूछता है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर आएगी वो आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, डेल्टा इक्वल टू 0 डिग्री पे आएगी, क्योंकि कॉस डेल्टा 1 होता है जब डेल्टा की वैल्यू 0 लेते हैं। तो ये अगर चीज़ आपको पता है तो कितना भी आपको अगर क्वेश्चन घुमाया जा रहा है तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। यहां तक आप अच्छे से समझिए पावर फ्लो ऑफ अल्टरनेटर। अब एक और बात आप लोगों को समझना है, क्यू का यूज करके देख लीजिए, ये इस Q का यूज कहां पर होगा वो भी हम देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये Q का यूज होगा, आप लोगों को समझना पड़ेगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, ठीक है, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड देख लीजिए। अब आप मुझे ये बताइए, अभी अभी हम लोगों ने P का वैल्यू लिखा था वो क्या आई थी हमारी, P इज इक्वल टू ई वी कॉस थीटा माइनस डेल्टा अपॉन में जेड एस माइनस वी स्क्वायर अपॉन में जेड एस कॉस थीटा, यही आई थी वैल्यू, क्योंकि हम लोग P की वैल्यू मैक्सिमम पावर डेवलप्ड P का देख रहे हैं। तो P इज इक्वल टू ई वी अपॉन जेड एस कॉस थीटा माइनस डेल्टा माइनस वी स्क्वायर अपॉन जेड एस कॉस थीटा, यही वैल्यू आई थी। मैक्सिमम कंडीशन निकालने के लिए हमेशा फॉर मैक्सिमम हमेशा हम लोगों को डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो dP अपॉन d डेल्टा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, dP अपॉन d डेल्टा, जीरो से जब आप किसी भी क्वांटिटी को इक्वेट करते हैं तो वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। डिफ्रेंशिएट करके हम फ्रेंड्स देख लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा करना है तो पहले वाले टर्म हमारा क्या हो जाएगा, ई वी तो कांस्टेंट है अपॉन में जेड एस, कॉस थीटा का डेरिवेशन होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पर मैं पहले इसका डेरिवेशन कर लेती हूँ, थीटा माइनस डेल्टा, माइनस अभी है हमारा
माइनस डेल्टा का हो जाएगा हमारा माइनस वन, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। सेकंड वाले का डेरिवेशन देखिए हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि हमारा इसमें कोई भी डेल्टा का टर्म नहीं प्रेजेंट है। तो यहां से हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, साइन थीटा माइनस डेल्टा इक्वल टू जीरो, यही देखने को मिलेगा क्योंकि इस वैल्यू को हम लोगों को जीरो से इक्वेट करना है। अब आप मुझे ये बताइए साइन कि जीरो, साइन की किस डेल्टा पे हम लोगों को जीरो मिलता है, तो हम लोगों को मिलता है साइन जीरो पे जीरो, इक्वेट कर देंगे यहां से आप लोगों को डेल्टा इक्वल टू थीटा। ये हमारी कंडीशन होती है, किस चीज की कंडीशन होती है, फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर डेवलप्ड। यहां पर हम लोगों ने आरए को इग्नोर नहीं किया है, देखिए उस केस में हम लोग आरए को इग्नोर किए थे, तो यहाँ पर हमारा कंडीशन निकल के आ रहा है डेल्टा इक्वल टू थीटा। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम अपना देखेंगे कि क्या क्या और हमारा टॉपिक बच गया है, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ऑल्टरनेटर भी हम लोगों को देखना है, और कुछ एक्साइटेशन का और कंसेप्ट हमारा बचा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन बटन टू गेट फर्दर अपडेट्स। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है, प्लीज चेक इट। SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।